अस्सलाम वालेकुम नाजिन, आप देख रहे हैं क्राउन स्टार न्यूज़ HD और मैं हूं फरा शाहिद। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। ठंडा लयार से खबर शामिल करते हैं। सिंध के प्राइमरी असातिज़ा ने अपने मुतालबात के हुसूल के लिए 7 जून को कराची प्रेस क्लब के सामने धरना देने का ऐलान कर दिया। सिंध भर के 1,37,000 प्राइमरी असातिज़ा को अपने हुकूक के लिए पेटे अलिफ की मरकज़ी क़यादत की कॉल पर 7 जून को सिंध के कोने कोने से प्राइमरी असातिज़ा को कराची पहुँचने की हिदायत। हुकूमत सिंध जब तक प्राइमरी असातिज़ा के जायज़ मुतालबात तस्लीम नहीं करेंगे तब तक हमारी एहतजाजी तहरीक जारी रहेगी। हम गिरफ्तारियों और धमकियों से डरने वाले नहीं। इन ख्यालात का इजहार पेटे अलिफ की मरकज़ी जॉइंट सेक्रेटरी आपा अमीना ताहिर कुमरानी ने टंडोला यार में असातिज़ा की मीटिंग से खिताब करते हुए किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम हुकूमत सिंध और वज़ीर तालीम को अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर चुके हैं। सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात की जो तहरीक शुरू हुई इसमें प्राइमरी असातिज़ा ने फ्रंट मैन का किरदार अदा किया। इन ख्यालात का इजहार आपा अमीना ताहिर कुमरानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। इस मौके पर सैयद अब्दुल रजाक शाह, जमन जरवार, मोहम्मद खान उर्स उमरानी, असलम जरवार ने भी तकरीब से खिताब किया, जबकि बड़ी तादाद में प्राइमरी असातिज़ा ने तकरीब में शिरकत करके यकजहती और इतिहाद का सबूत दिया। डिप्टी ब्यूरो चीफ मोहम्मद रियाज जट, क्राउन स्टार न्यूज़ HD टंडोला यार। नाइतफाकी पैं पान सा सच्चाई घट वे